लोनी क्षेत्र से बीजेपी पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में विधायक नंदकिशोर ने लोनी के चहुमुखी विकास के बारे में पत्रकारों से सलाह ली कि किस तरह से लोनी का विकास हो सकता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। साथ ही सांसद के गोद लिए गाँव मीरपुर में हुए विकास के बारे में विधायक जी ने विस्तार पूर्वक पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। क्या कहना था क्षेत्रीय विधायक का, आपको भी सुनाते हैं। आज दो तीन विषय में हम बात करना चाह रहे थे, आपके सुझाव भी लेने थे, क्योंकि अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे, उन्होंने सांसद और विधायकों के साथ बैठ के उनके अपने जिले की और जो विधानसभा का विधायक है उससे सारा पूछा था कि आप डेवलपमेंट के लिए क्या आपका है प्रस्ताव जो है वो हमें दो और हम उस पर काम करेंगे। योगी जी की सरकार बनने के बाद मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और तो जब भी हमसे मिले हम तो अपना अनुभव कह रहे हैं, उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की, केवल एक ही चिंता की कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे सुधरे और विकास कैसे हो। केवल विकास की बात उन्होंने की और कोई बात ही नहीं की, और वो उत्तर प्रदेश में लग रहा है क्योंकि हम लोग लौनी में बैठे हैं तो हम लौनी की बात करेंगे। लेकिन लौनी में आप लोग अगर देखेंगे और आप लोग दिन रात घूमते हैं और पत्रकारों से ज़्यादा अगर गलत हो रहा है तो उठाने वाला, नेता की आँख खोलने वाला दूसरा मैं समझता हूँ कोई सिस्टम नहीं है। एक तो मीरपुर हिंदू गांव का विषय है, अब नोट कर लें, क्योंकि कई बार मैं देखा पत्रकार बंधु लिख देते हैं भाई मीरपुर जो गोद लिया उसमें कुछ हुआ नहीं। तो मेरा एक निवेदन है कि सभी पत्रकार बंधु, क्योंकि मीरपुर हमारा पड़ोस का गाँव है और माननीय सांसद जी ने, अब जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, उन्होंने उसे गोद लिया है, तो मीरपुर गांव जैसा गांव दूसरा अब नहीं है सुविधा के मामले में। आप खुद देख लें, किसी के कहने से कोई बात नहीं है, क्योंकि मीरपुर के अंदर वो तमाम चीज़ें आज आदर्श गांव को जो मिलनी चाहिए वो गांव में सारी चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं। और थोड़ा बहुत जो मतलब काम तो है लेकिन कम्प्लीट हो रहा है, लेकिन वो हफ्ता दस दिन में सारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि शुरुआत होनी है, लगभग काम कम्प्लीट हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है मीरपुर में जो काम हुआ है तो महाविद्यालय का प्रस्ताव पास है, डंपिंग ग्राउंड बनना था, एक स्टेडियम के लिए जनरल साहब ने दे दिया है, क्योंकि स्टेडियम तो हम चाहते थे लोनी में लेकिन अपने पास इतनी जगह नहीं है, स्टेडियम खुली जगह में और बच्चे जा कर के बाइक से, क्योंकि दूर तो है नहीं, 2-3 किलोमीटर है लोनी से, तो सुबह दौड़ वौड़ लगाएँ और सारी चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिका सिटी मीरपुर मिल गया है तो वहाँ जगह है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। को एड का हम लोग 100 फुटे रोड के लिए हमारा चल रहा है, लेकिन उसे हम कहेंगे नहीं जब तक वो आना जाए। 100 फुटे रोड में जहाँ पे अस्पताल बन रही है, नीरम फैक्ट्री अस्पताल तो बन रही है 100 फुटे पे हमारी, वो 100 बेड की बन रही है लेकिन 50 बेड की शुरू करेंगे हम। एक तहसील का मामला था यहाँ, पिछली गवर्नमेंट ने, कुछ लोग कहते हैं अभी एक उसका चला था मसला एलिवेटेड रोड का, अब भाई ये तो उसने बनाया इसने बनाया, हालांकि बनाया कोई भी, लेकिन जो वर्तमान में होता है संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें जो रहेगा उस टाइम वो ये उद्घाटन करते हैं। लेकिन तहसील की घोषणा कर दी गई, तहसील को जो नगर पालिका जनता के पैसे से बनी, माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा नगर पालिका घोषणा हुई थी जब मुख्यमंत्री थे, उसमें बिल्डिंग चल रही थी, नाम की नगर पालिका थी वो तहसील, उसमें कोई रजिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, लेना देना नहीं। अब उसके लिए पैसा हमारे पास आ गया, बड़ी बात यह है, क्योंकि पैसे की सबसे बड़ी कमी होती है, पैसा हमारे पास है, बंथला के पास हम लोग इसका काम शुरू हो सकता है इसी हफ्ते में हम लोग उद्घाटन इसका कर लें, शुरू करने जा रहे हैं। उसकी सारी व्यवस्थाएं बढ़िया शानदार, उनके रहने के लिए टीला गांव के पल्ली तरफ GDA के द्वारा उसका जो कर्मचारी रहेंगे वहां रहेंगे, क्योंकि अभी क्या रात में अगर जरूरत पड़ जाए तो SDM बाहर से आते हैं, तो तमाम अधिकारी यहाँ रहें, शानदार तहसील बने, क्योंकि तहसील अभी कुछ है नहीं, कहीं कमरा भी नहीं बना तहसील के नाम पर, घोषणा जरूर हुई थी, तो इसके लिए पैसा दे दिया मुख्यमंत्री जी ने। जैसे फ्लाई ओवर की बात आपने की, वो भी कंप्लीट होने वाला है, ये मैं समझता हूँ कि लोनी के लिए सबसे बड़ा शराब था हम सब के लिए, जब फंस जाते थे, कई मौत मेरे सामने हुई हार्ट अटैक से, जब ऐसी बीमारियों से। और चिरौरा का पुल, जब से देश आज़ाद नहीं हुआ, जब से कभी मुगल काल रहा होगा या इंग्लिश ज़माना था, तब तो नदी बहुत चढ़ती थी, ये लोग बेचारे किसानों की खेती जो है नहीं हो पाती थी, तो उसके लिए बड़ी बात बधाई की है जनरल साहब, क्योंकि एकदम फौजी अधिकारी रहे, अनुशासित हैं और राजनीति की बात उनके पास है नहीं, जो काम उन्होंने किया उसका फीडबैक लेते हैं, उसे करा लेते हैं।
एक पुल की मांग थी उन बेचारों की देश की आज़ादी के बाद कि हमारा एक पुल बन जाए जिससे हम तुरंत वहाँ पल्ली तरफ खेती भी है और हम लोग सीधा मेरठ निकल जाएँ तो एक घूमना बच जाए। एक नहीं दो दो पुल बन रहे हैं, एक पुल बन रहा है सिरोरा गांव के इधर जिससे पूरे बागपत को लाभ होगा जिससे उधर निकल जाएंगे, एक पुल इधर जो कि उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी, जब भी बैग पता होगा गांव वाले कहने लगे जी ये उधर नहीं बनना इधर, तो उन्होंने एक की जगह एक फ्री कर दिया। दो बनेंगे तो एक से गाजियाबाद जो बहुत नज़दीक हो जाएगा और उसका लाभ क्या होगा, जो हमारी योजना है आवास विकास वाली, ये जो यमुना जी पुल की है इस पर हमने मीटिंग की थी और इसका मूर्त रूप दे रहे हैं, इसमें जो जल्दी ही काम भी शुरू करा रहे हैं। ये जो बाईपास की बात भी आई थी अभी किसी भाई ने रखी थी, आपने रखी थी, क्योंकि अगर बाईपास नहीं बनता तो इस लोनी के बारे में आप जो कुछ सोच ही नहीं सकते, ये इस तरह का कचर पचर जिंदगी भर लगा रहना है। ये बाईपास आवास विकास के सामने से जो रोड निकल के निठुरा के ऊपर से और ये जाएगा सीधा गाजियाबाद मिलेगा, टीला मोड़ मिल जाएगा, तो ये इधर का ट्रैफिक इधर जैसे गाजियाबाद जाना है, मान लिया हमें भी बहुत इमरजेंसी है किसी को लोनी वाले को, तो उठा के यहाँ से लोनी से चल के दो मिनट लगेंगे ऊपर चढ़े रोड पर, पाँच मिनट में गाजियाबाद। जो हमने प्रस्ताव दिए हैं और ख़ासतौर से जो बस्तियाँ अल्पसंख्यक हैं या दलित हैं उनमें जो काम रुका हुआ था उनके लिए एक बहुत बड़ा बजट आ रहा है और हमने वो बना के दिया। अभी उन्होंने हमें बुलाया था लखनऊ और उन्होंने कहा कि काम हो गए आपके पास, तो वो 90 करोड़ के अलावा डूडा सूडा का पैसा, इसके अलावा जिस तरह अमृत योजना के अंदर जल का है जो सीवर की आप बात कर रहे थे, क्योंकि समय बहुत कम है और जवाबदेही हमारी बन रही है क्योंकि सरकार दिल्ली से यहाँ तक हमारी है, लेकिन ये सबके लिए अच्छी बात है कि अब ये नहीं है कि कोई चीज़ की योजना आई और पैसे की कमी है, सरकार पर पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। सरकार ने ये कहा है कि योजना दीजिए, प्रस्ताव बनाइए और तुरंत इम्प्लीमेंट कराइए, तो ये सारी चीज़ हो रही है। पुलिस की जहाँ तक मामला है, थाना बन रहा है, ये कोई विषय नहीं है। पहले के मुकाबले बिजली की बात आ गई, सड़क की आ गई, चिकित्सा की आ गई, सीवर की आ गई, ये जो डेवलपमेंट की बात तो मैंने आगे क्षेत्र में जो चल रहा है, एक ITI लगभग कंप्लीट होने में भगवान ने चाहिए जल्दी ही पूरा हो जाएगा, दो लेंटर डल गए हैं उसके, ITI की बहुत लंबी मांग थी हमारी, तो ऐसी यही सबलूगढ़ी में एक अपना जो रेलवे लाइन है ये डबल का कई जगह काम शुरू हो गया है, यहीं से रिजर्वेशन होगा, पूरे भारत में कहीं जा सकते हैं। अभी आपने उसकी मेट्रो की बात रखी, विकास पर बात कर ले, मेट्रो का हमने ऑलरेडी बड़ौना तक जा ही रही है, मैंने उसको बढ़ा करके मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में जब जनरल साहब ने बैठक ली थी मेट्रो के अधिकारियों के साथ, हम भी उसमें रहते ही हैं, तो हमने ये कहा है कि मडौला से, हालांकि ये बागपत तक जाएगी, ये ऑफ द सब्जेक्ट बात है, ये मेट्रो के भी सामान्य सांसद सुखपाल सिंह जी चाहते हैं कि ये बागपत तक जाए। एक मेडिकल कॉलेज का मैंने दिया है, उसमें हमने विधानसभा में बोला था कि मेरे यहाँ अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो शामली बागपत को भी फायदा होगा और हम लोग दिल्ली पर डिपेंड हैं, 16 लाख की आबादी है, वो भी शायद आपने पढ़ा होगा लोनी के नामकरण का, ये सारी चीज़ आपने ये तो देखी है कि पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या हो, ये बात पुरानी होगी तो उन्हें बार बार कहना उचित नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज भी हम लोग चाह रहे हैं कि यहीं इसी लाइन पर बन जाए, बताया था कि टोनी का सिटी डेवलप हो जाएगी और जगह हमारे पास है, मतलब उसमें ये नहीं कि लोनी है, लोनी में ज़मीन बहुत पड़ी है, अभी गिटुआ का जंगल पूरा पड़ा मेरी तरफ पड़ा, वो एक्वायर कर लें, उसमें छोटी इंडस्ट्री नहीं बड़ी इंडस्ट्री 2-3 आ जाए जिसमें सैलरी अच्छी हो, लोगों का रोजगार का बन जाए, जो छोटी से तो लोग हज़ारों लोग कर ही रहे हैं इनमें, लेकिन जो थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा। बहरहाल इस प्रेस वार्ता में विधायक जी ने लोनी के चहुमुखी विकास और सांसद के गोद लिए गांव मीरपुर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली।